नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम किसान प्रश्न मंच में। मैं हूं मुकुल शर्मा। किसान प्रश्न मंच का कारवा पहुंचा हुआ है उत्तराखंड में और यहां हम मौजूद हैं रुद्रपुर में। और यहां आज जानने की हम कोशिश करेंगे जो हमारे किसान हैं उन्हें कितनी जानकारी है, और खासतौर से रुद्रपुर की अगर बात की जाए, हम उधम सिंह नगर की अगर बात करते हैं, यहां के किसान बहुत जागरूक हैं, नई नई तकनीक को अपनाते हैं और कोशिश ये करते हैं इस तकनीक को वो आगे भी पहुँचाएँ। यहाँ कुछ सवालों के जरिए आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हमारा जो आज का विषय है वो आपको बता देते हैं। आज हम अपने किसान भाइयों से सवाल पूछेंगे, खरीफ सीज़न में कौन कौन सी फसलों की बुवाई की जाए और उनकी देखभाल किसान कैसे कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं हमारे आज के कार्यक्रम के विशेषज्ञों से। मैं डॉक्टर सी तिवारी, प्रभारी अधिकारी कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर, उधम सिंह नगर। मैं श्री मोहिन मोहन मिश्रा, भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय मंत्री हूँ। मैं डीएस सिंह, उद्यान विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर, उधम सिंह नगर। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत किया जाए हमारे विशेषज्ञों का। देखिए, जैसा हमने आपसे कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि यहाँ जो आज किसान मौजूद हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, काफ़ी जानकारी इनको है। और अभी वर्तमान समय की अगर बात की जाए, मार्च का महीना है यानी फागुन का महीना है, जिस महीने में होली होती है। होली की अगर बात की जाए तो अक्सर जैसे ही होली का नाम आता है, शायद अधिकतर ऐसे लोग होंगे जिनके जहन में या तो मथुरा या वृंदावन, ये तमाम जगहें जो आ जाती होंगी। लेकिन हमारे पहाड़ की होली की अगर बात की जाए, यहाँ की होली भी काफ़ी लोकप्रिय है। और आज कार्यक्रम की जो शुरुआत है हम इसी के गीत से कर रहे हैं। तो पहले गीत सुनते हैं, उसके बाद शुरुआत करेंगे हमारे सवाल जवाब के सिलसिले। बाजे बसुरिया बे मेरे मथुरा वृंदावन गोकुल में, बाजे बाजे बसुरिया बे नेरे मथुरा वृंदावन गोकुल में, अरे काहन की तेरी बनी रे बसुरिया, काहन की तेरी बनी रे बसुरिया, काहन को सुर बेन वृंदावन गोकुल में, बजे बजे बसुरिया बे नेरे मथुरा वृंदावन गोकुल में, बजे बजे बसुरिया बे नेरे मथुरा वृंदावन गोकुल में। बाजे बाजे बसुरिया बे नेरे मथुरा वृंदावन गोकुल में, बाजे बाजे बसुरिया बे नेरे मथुरा वृंदावन गोकुल में। बाजे बाजे बसुरिया बे नेरे मथुरा वृंदावन गोकुल में, बाजे बाजे बसुरिया बे नेरे मथुरा वृंदावन गोकुल में, बाजे बाजे बसुरिया बे नेरे मथुरा वृंदावन गोकुल में, बाजे बाजे बसुरिया बे नेरे मथुरा वृंदावन गोकुल में, बाजे बाजे बसुरिया बे नेरे मथुरा वृंदावन गोकुल में, बाजे बाजे बसुरिया बे नेरे मथुरा वृंदावन गोकुल में, बाजे बाजे बसुरिया बे नेरे वृंदावन गोकुल में, बाजे बाजे बसुरिया बे नेरे मथुरा वृंदावन गोकुल में, बाजे बाजे बसुरिया बे नेरे मथुरा वृंदावन गोकुल में, बाजे बाजे बसुरिया बे नेरे मथुरा वृंदावन गोकुल में। और अब बिना देरी के चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सवाल जवाब की। और यहाँ हमारे तमाम जो किसान मौजूद हैं उनसे मेरा पहला सवाल यही है, ग्रीष्मकालीन सब्जियों की अगर बात की जाए, क्योंकि अब गर्मियाँ जो हैं लगभग आने को हैं, मार्च का महीना चल रहा है, ग्रीष्मकालीन सब्जियों में कौन कौन सी सब्जियाँ ऐसी हैं जिनकी हमारे किसान बुआई कर सकते हैं? हाथ आप खड़ा कर सकते हैं, ग्रीष्मकालीन सब्जियों में किसान कौन कौन सी सब्जियों की बुआई कर सकते हैं? देखिए, कितने हाथ जो हैं वो आपको यहाँ खड़े हुए नजर आ रहे होंगे। और कहा जाता है कि बड़े से शुरुआत करनी चाहिए, तो यहाँ पर एक किसान मौजूद हैं उनके पास हम चलते हैं। पहले उनका नाम जानेंगे और फिर उनसे जानने की कोशिश करेंगे ग्रीष्मकालीन ऋतु में कौन कौन सी सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। मैं चाहूंगा अगर आप खड़े हो जाए। जी, नाम बता दीजिए। नाम मेरा अवध किशोर त्रिपाठी, ग्राम प्रतापपुर जी, उधम सिंह नगर जिले के रहने वाला हूँ जी। जी, अब आपका प्रश्न है कि गर्मी ग्रीष्मकालीन सब्जी कौन सी बोई जाती है जी। तो इस समय भिंडी बोई जाएगी, तरोई बोई जाएगी, लौकी बोई जाएगी। इसमें तो आजकल तो आधुनिक युग है, 24 घंटा 12 महीना सारी सब्जियां हो रही हैं। बिल्कुल। तो ग्रीष्मकालीन सब्जी का कोई महत्व ऐसा नहीं रह गया कि यही स्पेशल है, लेकिन खीरा आएगा, तुरैया आएगी, सफ़ेद तुरैया, काली तुरैया, लौकी और अन्य प्रकार की सब्जियाँ हैं
जो बोई जाएंगी। अब इसमें आप और क्या जानना चाहते हैं? चलिए बिल्कुल, उनका चयन कर सकते हैं यानी किसान जी, कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। और जैसा हमने कहा था कि यहाँ के जो किसान है देखिए कितने जागरूक हैं, और इनकी जागरूकता आपको इनके जवाब से जरूर पता चल गई होगी। इनका साफ कह रहा था कि अब तो ऐसा कोई नहीं रह गया, जो सब्जियां हैं वो बेमौसम भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए जानकारी का होना बेहद जरूरी। एक और हाथ जो है उधर से खड़ा किया गया था, यहाँ चलते हैं, हमारे जो किसान हैं इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं क्या जानकारी है इनके पास। मैं चाहूँगा आप अगर खड़े हो जाएं, नाम बता दीजिए अपना। सुधीर कुमार साहिद जी। जी 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 शाही जी, अगर बात की जाए ग्रीष्मकालीन सब्जियों की तो कौन कौन सी सब्जियों की बुआई की कर सकते हैं इस समय? तुरई, लौकी, भिंडी, खीरा, टमाटर, बैंगन, और आपके पालक में पालक भी बुआई होती है, और हमारे यहाँ एक साग बोला जाता है का, उसका उसकी बुआई की जाती है, उसकी बुआई कर सकते जी। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं, दो जवाब हमें यहाँ मिल चुके हैं। और पीछे से हाथ खड़े किए गए थे, यहाँ पर एक महिला है, इनसे भी हम जवाब ले लेते हैं। और जैसा कहा जाता है जो महिलाएं हैं अब पुरुषों से बराबरी पर हैं, बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, तो ऐसे में भला कैसे वो पीछे रखनी, जवाब हम ले लेते हैं जी। मैं चाहूँगा अपना नाम पहले बता दीजिए। श्रीमती चंद्रकला चौहान, फौजी मोट कोटा जी, भूरा रानी रुद्रपुर जी। हाँ जी, कौन कौन सी ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई की जा सकती है? हाँ जी, हम आजकल करेला, लौकी, कद्दू और चप्पन कद्दू जी, ग्रीष्मकालीन फ्रांस बीन जी, ये बोते हैं सब। इनकी बुआई की हाँ सकते हैं। हाँ जी, चलिए बिल्कुल। और कुछ बताना चाहेंगे आप? चलिए, प्रमुख सब्जियां यही हैं। और ये देखिए कुछ और जो सब्जियों के नाम थे वो कुछ अलग थे, और ये शायद आपको थोड़े से अलग लग रहे होंगे, लेकिन यही हमारे जो जागरूक किसान हैं, यही इनकी पहचान है। अब सीधा रुख करते हैं हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनका। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे ग्रीष्मकालीन सब्जियों के बारे में, हमने अपने जो किसान हैं यहाँ पर उनसे जानकारी लेनी चाह रहे थे हम, और तीन जवाब मिले, तीनों ही कहीं ना कहीं सही। सबसे पहले मैं चाहूँगा आप हमारा जो संशय है उसको दूर कर दें कि इन तीन जवाब में कौन है हमारे किसान का हकदार, जिसने सटीक जानकारी दी, ज़्यादा जानकारी दी? किसान भाइयों, अभी तक जो जवाब दिए हैं त्रिपाठी जी और सुधीर जी ने पूरा अच्छे जवाब दिया है जी जी, लेकिन इनमें कोई एक जवाब जो हमारे किसान कप का हकदार हो, क्योंकि जिन किसानों ने जवाब दिए उनकी निगाहें किसान कप पर, और साथ ही और किसान भी इंतजार कर रहे हैं। किसान भाइयों, इस ग्रीष्म मौसम जो है 3 महीने का है, 2.5 से लेकर 3 महीने का है, इसमें सब्जियाँ कम है लेकिन जो कि बहुत अच्छी हैं और अच्छे पैसे देने वाली हैं। जैसे फल वाली सब्जी की बात करते हैं तो भिंडी है, बैंगन है, शिमला मिर्च है, ठीक। सीधे बुआई वाली बीज के द्वारा जो बोई जाती है उसमें है भिंडी, आपका फ्रांस बीन, ये दो सब्जियां हैं। इसके अलावा कद्दू वर्गीय सब्जियां, जिसमें लौकी, तोरई, करेला, आपका खीरा, टिंडा, ये सारी चीज़ें आ रही हैं जिनको आप कर सकते हैं जी। जी बिल्कुल, तमाम सब्जियां हमारे पास है, लेकिन एक जवाब आपकी तरफ से हमारे जो किसान है वो इंतजार कर रहे हैं कि जो पहला किसान कप है हमारे कार्यक्रम का वो किसको जाना चाहिए, कौन है उसका असल हकदार? श्री त्रिपाठी जी ब्योरबिद भी हैं, अच्छा भी जानकारी रखा है उन्होंने, अच्छा बताया भी है। जो सबसे पहले हमें जवाब यहाँ नहीं मिला, जोरदार तालियां बजा दीजिए त्रिपाठी जी के लिए। और मैं चाहूँगा अगर आप थोड़ा सा आगे आ जाएं हमारे पास निकलकर, तो हमारे कार्यक्रम का पहला किसान कप जो है वो इन्होंने जीता है, किसान कप की हकदार, बहुत बहुत बधाई आपको ये किसान कप जीतने पर, जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए, बैठ सकते हैं आप। तो यहाँ देखिए जैसा कि हमारे जो विशेषज्ञ उन्होंने भी हमें बताया कि कई तमाम तरह की सब्जियां हैं, और डॉक्टर साहब इस बात में आप भी इस बात से सहमत होंगे कि जो किसान है उनको जानकारी इतनी है, उन्होंने खुद कहा कि साल भर आप जो सब्जियां हैं उनको ले सकते हैं, इस दिशा में किस तरह की जानकारी आपको लगता है किसानों को और होनी चाहिए? मैं तो इतना कहूँगा कि जो भी सब्जी खेती करें समयानुसार करें, जैसे ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बात करते हैं तो हम ये कहेंगे थोड़ा पहले बोए जी, तो उसका आपको फायदा अच्छा मिलेगा, इसलिए क्योंकि खेती करना नहीं है, खेती से अर्निंग करना बहुत जरूरी है। और 3 महीने में आप जल्दी भिंडी बोने से, जल्दी शिमला मिर्च पौधे लगाने से, जल्दी मूली लगाने से आपको अच्छे पैसे मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये भी बेहद ज़रूरी कि ना सिर्फ आपको जानकारी हो बल्कि उस जानकारी से आपको फ़ायदा भी होना चाहिए, इसलिए लगातार हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो कोशिश यही कर रहे हैं कि जो हमारे किसान हैं उनकी आमदनी को बढ़ाया जा सके, और वो तमाम तरह के फ़ायदे जो हैं वो कृषि विज्ञान केंद्र के जरिए भी तमाम जानकारी लगातार हमारे किसानों तक पहुँचा रहे हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, एक और मौका आप सभी के पास ये किसान कप जीतने का। अगला सवाल मेरा यहाँ मौजूद किसानों से, गेहूँ की अगर बात की जाए, एक मुख्य फसल हमारी, गेहूँ के मुख्य रोग कौन से हैं और उनके उपचार कैसे किए जाएँ? गेहूं की फसल हमारी खेत में खड़ी हुई है, इस फसल के मुख्य रोग कौन से और उसका उपचार क्या है? चलिए दो हाथ जो हैं वो अब फिलहाल मेरे को दिख रहे हैं, और उम्मीद कर रहा हूं कि और हाथ जो हैं धीरे धीरे शायद बढ़ जाएंगे जैसे हमें ये जवाब मिलेगा, लेकिन पहले यहां पर हम जवाब ले लेते हैं, देखते हैं हमें क्या जवाब मिलता है जो हाथ खड़ा किया गया किसान द्वारा। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं जी, नाम बता दीजिए। सुरेश राणा, सितारगंज गाँव के पास, सितारगंज के पास में खैराना।
जी जी गेहूं के तो मुख्य रोग तो एक तो खरपतवार, उसको पहले नियंत्रण करना जी। उसके लिए खरपतवार में हमको जो जिसे हम गेहूं का मामा बोलते हैं वो पहली स्टेज है जो हमारे 20-22-25 दिन में उसको खत्म करना। लेकिन रोग के बारे में जानकारी, रोग उसमें जो हमारा जो आता है उसमें एक तो पीला रतुआ की शिकायत ज़्यादा आ रही है जी, और पीला रतुआ के लिए हमको उसके रोग निवारण के लिए बाविस्टीन M45 इसका प्रयोग करना पड़ता है। चलिए, और उसमें तेले की भी आवश्यकता है तो इमीडा क्लोराइड डालनी पड़ती है जी। ये रोग है इसके। चलिए बिल्कुल, और कुछ जानकारी देना चाहेंगे? चलिए बिल्कुल, देखिए इनके पास यही जानकारी थी वो इन्होंने दी। और हाथ जो है वो खड़े किए गए थे, जानना मैं चाह रहा था गेहूं देखिए मुख्य फसल है हमारी, हालांकि एक हाथ देखिए उधर खड़ा है, उनसे भी हम जवाब लेने की कोशिश करते हैं। गेहूं की देखिए अगर बात की जाए, एक वक्त था जब गेहूं की जो उपज है हमारे यहाँ इतनी नहीं होती थी, लेकिन आज किसानों की वजह से, अन्नदाता किसानों को कहा जाता है, क्योंकि ना सिर्फ हमारे देश की खाद्य सुरक्षा की अगर बात कही जाती है उसकी पूर्ति हमारे किसान करते हैं, और तमाम और भी जो लोग हैं उन तक इस अन्न को पहुंचा रहे हैं। मैं चाहूंगा अपना नाम आप बता दीजिए। जी राम प्रवेश, खटीमा से जी। ये गेहूं में रोग लगता है येलो रस्ट, ये पीला रतुआ इन्होंने बताया है जी। इसके लिए दवा रिकमेंड की गई है टिल्ट जी, जो प्रोपेकोनाजोल के नाम से या टिल्ट के नाम से आती है जी। दूसरा रोग है झुलसा जी, उसमें ये काम करती है, और उसके अलावा मैनकोजेब दवा ये डाली जाती है। चलिए ये दवाई। चलिए बिल्कुल, जो इनके पास देखिए जानकारी थी वो इन्होंने हमारे साथ साझा की, दो जवाब हमें यहाँ फिलहाल अभी मिल चुके हैं। और कोई आपने से जवाब देना चाहेगा कौन से? चलिए एक हाथ जो है देखिए वो और खड़ा हो चुका है, एक जवाब और ले लेते हैं, मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं जी। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम ठाकुर जगदीश सिंह है जी। और गेहूँ में येलो रस्ट प्रमुख बीमारी है, इसके साथ साथ जो है माहू भी लगता है, कंडुआ का रोग भी लगता है, और इस तरीके की बीमारियाँ लगती हैं, और सबसे बड़ा जो सब फसल तैयार होने के बाद में चूहा भी लगता है। चलिए, चूहा रोग है कि नहीं? ये तो नुकसान वाली चीज है, ये नुकसान वाली चीज उन्होंने पहले बता दी। रोग में कंडुआ भी लगता है, माहू भी लगता है, येलो रस्ट भी आता है। चलिए, उपचार इसका कैसे किया जाए? उपचार येलो रस्ट के लिए टिल्ट की दवा डालते हैं जी, और टिल्ट के बाद में येलो रस्ट खत्म हो जाता है जी, और माहू के लिए जी, फंगस के लिए है जी, फंगस के लिए है, येलो रस्ट भी उसी से दूर भी होता है, और माहू के लिए कोई भी कीटनाशक दवा का प्रयोग करते हैं। चलिए बिल्कुल, रोग की हम यहाँ जानकारी ले रहे थे, इन्होंने कीटनाशक दवाओं का भी जिक्र किया, तीन जवाब हम यहाँ ले चुके हैं, अब सीधा रुक करेंगे हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनका। डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे, तीन जवाब मिले हैं हमें, और सबसे पहले जो हमारे किसान हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि इस बार किसान का हकदार कौन बनने वाला, अगर आप सबसे पहले हमें ये बता सकें। देखिए अगर इसके सही जवाब की बात करें तो जो तीन चार लोगों ने जो भी जवाब दिए है सही जवाब किसी ने नहीं दिया है, क्योंकि गेहूँ में जो लगने वाले रोग हैं उसमें मुख्य रूप से इस क्षेत्र में तीन रोग लगते हैं। एक तो रतुआ की बात की इन्होंने, तो वो तीन तरीके का है, पीला रतुआ भी है, भूरा रतुआ भी है, और काला रतुआ भी है। दूसरा रोग लगता है कंडुआ, जिसको हम लूज स्मट कहते हैं, जिसमें बाली जो है वो काली निकलने लगती है। और तीसरी एक बीमारी और है जिसको करनाल बंट कहा जाता है, चूँकि ये सीड का ज़िला है, इस ज़िले में सीड प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है, और करनाल बंट जो है वो बहुत प्रमुख बीमारी है इस जिले के हिसाब से, तो करनाल बंट का नाम यहाँ पे किसी ने नहीं लिया है। करनाल बंट का तो नहीं लिया, लेकिन किसान ये सोच रहे हैं कुछ जी, रोग तो हमने बताए हैं, रोग बताए हैं, अब उस हिसाब से अगर देखें कि रोग और उसका सही उपचार, तो मैं समझता हूँ ठाकुर जगदीश सिंह जी को ये पुरस्कार जाना चाहिए। चलिए बिल्कुल, जो आखिर में यानी जवाब मिला, जोरदार तालियां बजा दीजिए उनके लिए, क्योंकि हमारे विशेषज्ञ किराए में वो एक सटीक जवाब। मैं चाहूंगा अगर आप आ जाए हमारे पास, वो थोड़ा सा इंतजार में है कि वाकई उनका चयन हुआ है कि नहीं, लेकिन जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए, बहुत बहुत बधाई आपको, बैठ सकते हैं आप। तो यहाँ देखिए किसान कब की खुशी कितनी होती है वो आप देख सकते हैं इनके चेहरे पर, और भी जो हमारे किसान हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि उनके चेहरे पर वो मुस्कान आ पाएगी। डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे, प्रमुख रोगों की अगर बात की जाए, रोग हमारे किसान जानते हैं, लेकिन उसके उपचार, सही उपचार वो भी, ये बेहद ज़रूरी है, सही दिशा में उपचार किया जाए। देखिए जैसा अभी इन्होंने हमारे जो भी जिन लोगों ने भी जवाब दिया उन्होंने बताया कि रतुआ रोग यहाँ लग रहा है, पीला रतुआ गेहूँ की एक प्रमुख बीमारी के रूप में वो आ रहा है, और पिछले करीब 5-6 सालों से हर साल इस बीमारी का प्रकोप देखने को मिल रहा है जी। हमने पहली बार इस ज़िले में काला रतुआ इस बार देखा है, और काला रतुआ की समस्या केवल एक प्रजाति जो है हमारी, जो सबसे पुरानी प्रजाति है PBW 343 जी, उसमें देखने को मिली है, और वो प्रजाति इसके लिए बहुत ज़्यादा साइंस उसके अंदर इसके बीमारी के आने की संभावना सबसे अधिक है। तो मेरा एक तो ये निवेदन होगा हमारे किसान भाइयों से कि अगले साल आने वाले समय में वो 343 को धीरे धीरे छोड़ दें,
अब उपचार की बात करते हैं तो जितने भी ये रस्ट हैं या रतुआ की जो बीमारी है, इसके नियंत्रण के लिए जो प्रोपिकोनाजोल नाम की दवाई है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ही पत्ती के ऊपर हल्दी का पाउडर जैसा लक्षण आपको दिखे कि हल्दी का पाउडर बिखरा हुआ है, अगर एक दो पत्तियों पे आपको दिख रहा है तो उसी समय इस प्रोपिकोनाजोल नामक दवाई की 2 ml दवाई प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर और इसका छिड़काव करना चाहिए। जी बिल्कुल। और इस दवा का अगर दूसरा छिड़काव की आवश्यकता अगर आपको पड़ती है, इससे अगर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है तो उस स्थिति में आपको कम से कम 20 से 25 दिन बाद दूसरा एक छिड़काव और कर देंगे तो इससे रतुआ का नियंत्रण भी हो जाएगा और साथ ही साथ आपकी जो कंडुआ बीमारी जिसका करनाल बंट जिसको हम कहते हैं उससे भी नियंत्रण हो जाता है। तीसरी बीमारी जो है कंडुआ जिसकी बात हो रही थी लूज स्मट की, वो बीज जनित बीमारी है, अगर बीज उपचारित करके बोएंगे तो वो बीमारी नहीं आएगी। जी बिल्कुल। तो देखिए इन बातों का हमारे किसानों को ख्याल रखना होगा जिससे न सिर्फ गेहूँ की जो उपज है वो बढ़ सके और रोग रहित फसल जो है वो हमारे किसानों की हो सके। किसानों की कोशिश यही रहती है कि उनकी फसल जो है किसी भी नुकसान से बची रहे, लेकिन इसके लिए ये भी ज़रूरी कि हमारे किसान तमाम जानकारी लेते रहें। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर और उम्मीद मैं कर रहा हूँ इस बार ज़्यादा हाथ जो है मुझको वो ऊपर उठे हुए नज़र आएंगे। अगला सवाल मेरा ये है, एक साथ दो फसल लेना फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक और क्यों? चलिए हाथ अब देखिए धीरे धीरे खड़े हो चुके हैं। एक साथ दो फसल लेना फायदेमंद है या नुकसानदायक और क्यों? कई हाथ तो इस बार दिख रहे हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं बिल्कुल पीछे से। आखिर में एक हाथ उठा हुआ मेरे को नजर आ रहा है, पीछे चलते हैं और जाने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे किसान हैं उनके पास कितनी जानकारी है और इस जानकारी का होना देखिए इसलिए बेहद ज़रूरी क्योंकि हमारे किसानों को जितनी जानकारी होगी उसका उपयोग वो करेंगे, उस जानकारी को अपनाते हैं और इस जानकारी को आगे भी पहुंचाते हैं। बिल्कुल आखिर से आप देख सकते हैं जो हाथ ऊपर उठाया गया था, मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं। तो नाम बता दीजिए। मेरा नाम अवधेश सिंह है, मैं फुलसुंगा से रहने वाला हूँ, यहीं उत्तराखंड। जी अवधेश जी, एक साथ दो फसल लेना फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक? फ़ायदेमंद है सर। कैसे फ़ायदेमंद? जैसे एक साथ में हम गन्ना और धान, गन्ना और धनिया भी लगा सकते हैं। जी जिसमें हम गन्ना तैयार होता है तो धनिया काट देते हैं उसको, फिर जताई वो खाद का काम कर जाता है हमारे खेतों में। जी तो इसलिए फायदेमंद होता है। यानी आप दोहरा मुनाफा ले रहे हैं? दोहरा मुनाफा हो जाएगा और खाद की खाद ही होगी, हमारी उर्वरक शक्ति जो खेत की हमारी उर्वरक शक्ति है वो बरकरार बनी रहेगी। जी बिल्कुल। देखिए कैसे हमारे किसान यहाँ फायदा उठा रहे हैं, बिल्कुल बैठ सकते हैं आप, जवाब इनकी तरफ से हमें मिल चुका है। और भी हाथ यहाँ उठाए गए थे, और कौन जवाब देना चाहेगा आप लोगों में से? देखिए एक हाथ आगे नजर आ रहा है, धीरे धीरे अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और उम्मीद हम ये कर रहे थे शायद जो यहाँ महिलाएं मौजूद हैं महिला किसान उनकी तरफ से भी कुछ जवाब आएगा, लेकिन अभी तक किसी तरह का जवाब जो है वो नज़र नहीं आ रहा। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट जो है वो ज़रूर मैं देख पा रहा हूँ यहाँ, लेकिन एक जवाब हम यहाँ पहले लेने की कोशिश करते हैं। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं। जी मेरा नाम कुंवर पाल सिंह है। जी और गन्ने के साथ सह फसल करने के लिए? जी गन्ने के साथ नहीं, सवाल ये कि एक साथ दो फसल लेना फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक? फ़ायदेमंद है। फ़ायदेमंद है कैसे? अगर गन्ने के साथ हम सह फसल अगर दलहन की फसल लेते हैं तो उसका फ़ायदा जो है एक खाद के रूप में गन्ने को भी फ़ायदा मिलता है। हाँ। अगर हम लहसुन की फसल या प्याज की फसल गन्ने में लेते हैं जी। तो उसमें गन्ने में बीमारियां लगने के बहुत कम आसार होंगे, बीमारियां लगेंगी नहीं जी। ये बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, गन्ने को बीमारियों से मुक्त रखेगा। चलिए बिल्कुल, देखिए क्या फ़ायदा मिल सकता है ये लगातार हमारे किसान हमें बता रहे हैं। एक और हाथ है वो खड़ा किया गया तो उनसे भी हम जवाब लेते हैं। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं। नाम बता दीजिए। विनोद सिंह राणा है, मैं सितारगंज गांव साधुनगर। जी इसमें दो फसल लेने से एक फायदा ये है कि जो हमारी सबसे बड़ी समस्या दाल की आ रही है, जैसे इन्होंने बताया कि धनिया 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 तो बहुत हो रहा है, हर घर में होता है धनिया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या दाल की है जी। अब हम लोग मटर लगाते हैं, मटर के बीच में हम मसूर बो देते हैं और मसूर इतनी कामयाब हो रही है कि थोड़ी थोड़ी हल्की बारिश हुई है, सब सुंदर, बहुत ही सुंदर हुई है आपकी मसूर। तो मटर हमने उखाड़ ली, उसकी बेल अपने जानवरों को खिला दी और उसके बाद जो अब मसूर इतनी सुंदर हो गई है कि उसमें थोड़ा फ़ायदा किसान को बहुत अधिक होगा क्योंकि मसूर के रेट हमेशा बहुत अधिक रहते हैं। चलिए अब जैसा ये बता रहे हैं बहुत सुंदर हो गई, ऐसा तो नहीं कोई और चोरी करके ले जाए? नहीं, उसमें थोड़ा हमारे को समस्या है लील गायों की। चलिए वो समस्या का भी हम कोशिश करेंगे वो दूर हो सके, लेकिन तीन जवाब देखिए हमें यहाँ मिले और काफ़ी अच्छी बात, जानकारी लगातार हमारे यहाँ किसानों को है। हमारे जो विशेषज्ञ हैं आपसे जानना चाहेंगे हम, जो तीन जवाब हमें मिले हैं, सवाल काफ़ी आसान हमारा, उस पर हमारे तीन किसानों ने अपनी अलग अलग जो प्रतिक्रिया है वो यहाँ रखी है। नहीं, दो फसल तीन फसल एक साथ करने में फ़ायदा तो है इतना बताया किसान जी, मगर उसमें फ़ायदा बहुत दूरगामी भी है जी। एक तो उसमें पानी का खर्चा भी आपको कम आएगा, खाद का खर्चा भी कम आएगा, मजदूरी का भी खर्चा कम आएगा और दोनों फसल के
जो जैसे बताया गया कि गन्ना का सर लहसुन और ऐसे ही फसल सारी है जोड़ के बोलेंगे ये करेंगे जी, तो कीड़ों का रोकथाम भी हो जाएगा, तो फायदे बहुत है जी। और उसमें जैसे बताया खर्चा इतना कम होगा क्योंकि खाद का इतना अच्छा मैनेजमेंट होता है, पानी का मैनेजमेंट होता है, तो कुल मिलाकर फायदा ही फायदा है। इसलिए किसानों को मेरा विनती है इस दिशा में आगे कदम बढ़ाइए। बिल्कुल, और किसान अब इंतजार कर रहे हैं कि फायदा तो है लेकिन किसान कब कौन इस बार जीतने वाला है। कुंवर पाल जी इस अच्छा यानी दूसरे नंबर पर जो हमें जवाब मिला। चलिए बिल्कुल, हमारे विशेषज्ञ की नजर में एक सटीक जवाब, जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए आप सभी। और जो जवाब इनकी तरफ से आया एक सटीक जवाब हमारे विशेषज्ञ की नजर में, बहुत बहुत बधाई आपको किसान कप जीतने पर, जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए भी, बैठ सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये बेहद ज़रूरी कि जो हमारे किसान हैं उनको तमाम जानकारी हो, और एक साथ अगर हम बात करते हैं दो फसल आप ले रहे हैं, अंतर फसल सह फसल, ये तमाम कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं इस तरह की दिशाएं हैं जिससे हमारे किसानों का जो मुनाफा है वो बढ़ सकता है। और मुनाफा कैसे बढ़ेगा, जब हमारी लागत कम हो सकेगी। तो इसलिए ज़रूरी यही कि हमारे जो किसान हैं अपनी लागत को कम करने की कोशिश करें और मुनाफे को और भी बढ़ाएं। आगे भी हम अपने किसानों से यहाँ सवाल जवाब का जो सिलसिला उसको जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए किसान प्रश्नमंच। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाए बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे कार्यक्रम किसान प्रश्न मंच में। उत्तराखंड के रुद्रपुर में इस वक्त हमें, और आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे जो जागरूक किसान हैं वो लगातार हमें जवाब दे रहे हैं, और ब्रेक में जाने से पहले भी बहुत अच्छे अच्छे जवाब हमें मिले। और जागरूक इसलिए लगातार हम क्योंकि कह रहे हैं बहुत जानकारी यहाँ के किसानों को, नई नई तकनीकों की जानकारी है, नई विधियाँ जो वैज्ञानिक बताते हैं उसके बाद उस विधि को अपना भी रहे हैं और उसका शायद फ़ायदा भी उठा रहे हैं, जिस वजह से ना सिर्फ उस जानकारी को आगे बांट रहे हैं। अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल आप सभी मेरा ध्यान से सुनिएगा। हमें अब तक बात की सब्जियों की, गेहूँ की भी बात हमने की किस तरीके से और मुनाफा हो सकता है। अगला सवाल मेरा यहाँ मौजूद किसानों से, गर्मी की बेहतर फसल लेने के लिए हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। हाथ आप उठा सकते हैं, गन्ने की बेहतर फसल लेने के लिए हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। धीरे धीरे देखिए हाथ जो हैं वो यहाँ उठते नज़र आ रहे हैं, और ये बेहद ज़रूरी, देखिए जानकारी जो है ये हमारे किसानों को होनी चाहिए, लेकिन हाथ जो है वो कुछ एक किसानों के हमें यहाँ उठते हुए नज़र आ रहे हैं, और कोशिश हम ये करेंगे कि जहाँ से हाथ उठाए गए थे पहले उनसे जवाब लेते हैं, उसके बाद और भी कुछ जवाब लेने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन पहले जिन्होंने हाथ उठाए हैं उनका जवाब हम ले लेते हैं। मैं चाहूँगा आप खड़े उठाएँ जी, नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र कालरा जी, गांव भूरा रानी जी, रुद्रपुर का निवासी हूं जी। गन्ने की फसल उठाने के लिए सबसे पहला काम खेत की जुताई जी अच्छे तरीके से हो, दूसरे नंबर पे उस खेत की मिट्टी की टेस्टिंग होनी चाहिए जी। गन्ने के लिए जिन जिन मिनरल्स की कमी होती है उसको पूरा किया जाना चाहिए, उसके बाद गन्ने की बुआई पूरे वैज्ञानिक तरीके से लाइन से लाइन की दूरी की निश्चित मात्रा फिक्स करते हुए उसको बोना चाहिए। बोने के बाद समय अनुसार जब जब पानी की ज़रूरत है, पहला पानी लगभग 1 महीने बाद खेत में से गूड़ निकाल करके, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे ज़रूरत खेत में देखते हुए पानी और उसके बाद गुड़ाई और उसके बाद खाद का विशेष ध्यान रखते हुए जी गन्ने की फसल उठानी चाहिए। इस प्रकार से हम गन्ने की अधिक फसल ले सकते हैं। और मिठास कैसे बढ़ाएंगे उसमें? लेकिन मिठास तो सर्दियों का एक सिस्टम है गन्ने के अंदर जी, कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ती चली जाएगी मिठास अपने आप ऑटोमेटिक उसमें आती चली जाएगी। यानी ये मान लीजिए हमें तो वजन को देखना है कि वजन कैसे बढ़ाया जाए उसका। देखिए वजन की बात कर रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा अपने या गन्ने की।
गन्ने के। चलिए गन्ने का वजन और अपना भी दोनों वजन बढ़ेगा तो हमारा भी बढ़ जाएगा। ये देखिए मुनाफे से कैसे हमारे किसानों का वजन बढ़ता है। बैठ सकते हैं आप, बहुत अच्छा जवाब हमें यहाँ पर मिला। और अब कोशिश करते हैं, पीछे चलते हैं, और हाथ यहाँ खड़े किए गए थे, मैं चाहूंगा आप दोबारा हाथ उठा ले तो आपके पास मैं झट से पहुंच जाऊं। एक हाथ आगे भी नजर आ रहे, पीछे मैं उम्मीद कर रहा था, अब कोशिश मैं करता हूं, खुद से कोशिश करता हूं। कुछ युवा किसान जो हैं वो पीछे नजर आ रहे हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं उन्हें जानकारी है या नहीं, और नहीं है तो जानकारी होनी चाहिए, कोशिश हमारी यही और किसान प्रश्नमंच का उद्देश्य भी यही। मैं चाहूंगा आप खड़े हो जाएं जी, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम अनुज बाना है, मैं यहाँ धर्मपुर का निवासी हूँ। अनुज जी क्या करना चाहिए, मगर हम चाहते हैं गन्ने की हमारी जो उपज है अच्छी हो, बेहतर हो। गन्ने के उपज के लिए सबसे पहले तो हमें अपने खेत को अच्छे तरीके से तैयार करना चाहिए जी। उसके बाद उसके मिट्टी की टेस्टिंग करानी चाहिए, हमारे किन किन तत्वों की कमी है जी, और हम जिस बीज का चयन करें वो रोग रहित होना चाहिए जी, बीज उपचारित करके बोना चाहिए। देखिए सारी बातें इनको पता है लेकिन हाथ नहीं ऊपर उठाया था इन्होंने, क्या हाथ क्यों नहीं उठाया आप लोगों ने? नहीं हाथ उठा रहे थे, हाथ उठा रहे थे, अब खुद ही हमने इनको उठा दिया। बहुत अच्छा, अगला बैठ सकते हैं आप। और अब रुक करते हैं, आगे का एक और हाथ जो है वो मेरे को उठा हुआ नजर आ रहा था, वहां से भी हम जवाब लेते हैं और देखते हैं क्या जवाब हमें मिलता है। ये बेहद जरूरी, हमारे जो किसान हैं सारी जानकारी उनको हो, और गन्ने की अगर बात कही जाती है मिठास भी उसकी बढ़ती है, ये जानकारी जो है इसको भी लगातार हम बढ़ा रहे हैं। मैं चाहूंगा आप खड़े हो जाएं, पहले नाम बता दीजिए अपना। अजीत पाठक। अजीत जी कैसे हम गन्ने की जो अपनी उपज है उसको बढ़ा सकते हैं और किन बातों का ख्याल रखें? उसमें सबसे जरूरी है गोबर की खाद डालना जी, उपज बढ़ाने के लिए प्लाऊ करना, गोबर की खाद डालना और बाद में रासायनिक खाद डालना और स्प्रे 2-3 बार करना कीड़े का जी, तब जाकर गन्ना बढ़िया होगा। अब किसान बोलेगा इतनी तीन चीजें अगर हम डालेंगे तो लागत ज्यादा हो जाएगी, ऐसा तो नहीं? नहीं जी, गोबर डालेंगे तो पैदावार बढ़ेगी जी, गोबर की खाद अगर पड़ेगी तो गन्ना बढ़ेगा भी, पैदावार भी बढ़ेगी जी, और स्प्रे भी करना पड़ेगा दवाई का, कीटनाशक बहुत बहुत कीड़े लग रहे हैं जी। उसके बाद बनवाना जरूरी है इसको, जब इतना करेंगे ना प्लाऊ लाऊ करके तो बनवाना पड़ेगा जी, तब जाके गन्ना सही काट पाएंगे, बढ़वार है काफी अच्छी हो जाएगी। हाँ बनवाना जरूरी है गन्ने का। चलिए बिल्कुल, गोबर की खाद डालेंगे तो बनवाना जरूरी है। चलिए बिल्कुल, बनवाना भी जरूरी है, उम्मीद ये करते हैं जो मुनाफा है वो भी हमारे किसानों का बन जाए, यानी गन्ने से उनको और मुनाफा मिल सके। डॉक्टर साहब आपके पास मैं आना चाहूंगा, तीन जवाब हमने लिए, गन्ने की हम यहाँ बात कर रहे हैं किस तरीके से उसकी उपज हम बढ़ा सकते हैं, और वो कौन सी बातें हैं जिनका ख्याल हमारे किसानों को रखना चाहिए अगर वो उसकी उपज बढ़ाना चाहते हैं? देखिए गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए जो सबसे मूल मंत्र है वो है, चूँकि आप जानते हैं कि बुआई तक लगभग 65% लागत लग जाती है, चाहे फसल कोई सी भी हो आपकी, तो अगर आपकी बुआई अच्छी है तो आपकी पैदावार अच्छी होगी। तो गन्ने की बुआई में गहरी जुताई, जीवांश की मात्रा का प्रबंधन, 2 आँख के टुकड़े, उचित दूरी जी, और संस्तुत मात्रा में रासायनिक उर्वरक या पोषक तत्वों का प्रबंधन, ये कुछ मूल मंत्र हैं। अगर इनको ध्यान में रखा जाएगा तभी गन्ने की अच्छी पैदावार ली जा सकती है। और लेकिन इसके साथ जरूरी है कि जो हम बीज लें वो रोग रहित हो और अच्छी किस्म का हो, जो प्रचलित प्रजातियां हैं, जो अच्छी उपज देने वाली प्रजातियां हैं उनका बीज इस्तेमाल करें जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसके साथ सवाल मेरा आपसे हर बार वही है कि कौन इस बार हमारे किसान कब का हकदार है? पूर्ण रूप से सही तो जवाब किसी का नहीं है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो पाठक जी को ये पुरस्कार दिया जाना चाहिए जी, यानी जो आखिर में हमें जवाब मिला जी। हाँ चलिए बिल्कुल, जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। मैं चाहूंगा आप खड़े हो जाएं, आ जाएं हमारे बीच में, और कहा जाता है कि बस आखिर में इन्होंने जो जवाब दिया उस पर ये बन चुके हैं किसान कब के हकदार। जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। देखिए हमारे जो किसान हैं उनका स्नेह कितनी बड़ी चीज़ है, किसान कब के हकदार कोई और बनते हैं लेकिन एक जोश और जो उत्साह है वो दूसरे किसानों में भी है, और एक उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि ये वही किसान हैं जो इनके बीच से उठे हैं, थोड़े से आगे आए हैं, लेकिन कोशिश यही कि तमाम जो किसान हैं वो एक साथ चल सकें और आगे बढ़ सकें, तभी ना सिर्फ हमारे देश का विकास होगा बल्कि इसके साथ साथ कृषि क्षेत्र का भी विस्तार हो सकेगा। अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल मेरा यहाँ मौजूद हमारे जो किसान हैं, हमने सब्जियों की बात शुरू में की थी पहले सवाल पर, एक बार फिर मैं उसी पर थोड़ा सा लौट के आता हूँ। भिंडी की अगर बात की जाए, एक सब्जी भिंडी, और उसकी काफ़ी उपज भी होती है इस क्षेत्र में भी, साथ ही जो हमारे देश के दूसरे हिस्से हैं उनमें भी इसकी उपज होती है, लेकिन इसकी उपज अच्छी हो सके इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? भिंडी की जो पैदावार है वो अच्छी हो सके इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हाथ आप उठा सकते हैं अगर थोड़ी सी भी आपके पास जानकारी है, कुछ भी अगर आप अपना एक पहलू रखना चाहते हैं।
चलिए धीरे धीरे जो हाथ हैं वो खड़े हो चुके हैं और कोशिश मैं कर रहा हूँ कि जो नए हाथ उठते हुए मेरे को नज़र आ रहे हैं उनसे मैं पहले जवाब ले लेता हूँ। इधर से एक नया हाथ जो है उठता नज़र आया है, इनके पास मैं पहुँच रहा हूँ, इनसे हम जवाब लेने की कोशिश करते हैं। जी अपना नाम बता दीजिए। जोगिंदर मौर्य जी, बकचूरी से खटीमा। कैसे हम भिंडी की जो अपनी पैदावार है उसको बढ़ा सकते हैं? भिंडी की पैदावार वो बढ़िया से बुआई करते हैं जी, बुआई करने के बाद जमाव बढ़िया हो जाता है, फिर इसकी गुड़ाई, पानी, खाद उसमें समय पे दिया जाएगा जी, तो अच्छी पैदावार उसमें होगी, अच्छी पैदावार मिल जाएगी। चलिए बिल्कुल, ये देखिए जवाब जो है इनकी तरफ से आया। और भिंडी की अगर बात की जाए, जैसे मैंने आपको बोला कि एक प्रमुख सब्जी, और ये यहाँ जो महिलाएं बैठी हैं ज़रूर इस सब्जी को अपने रसोई में बनाती ज़रूर होंगी, लेकिन उम्मीद मैं कर रहा था शायद अब भिंडी का सवाल लिया गया तो कोई हाथ उठता हुआ नज़र आएगा। कोई बताना चाहेगा आप में से कैसे हम पैदावार बढ़ा सकते हैं भिंडी की? सोच में है लेकिन मुस्कुराहट ज़रूर है और कोशिश हम कर रहे थे शायद कोई जवाब हमें यहाँ पर मिल पाए, लेकिन कोई जवाब यानी कोई हाथ जो है उठता नज़र नहीं आ रहा है। उस छोर पे एक हाथ उठाया गया था, उनके पास हम चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम अगर भिंडी की फसल ले रहे हैं तो उसकी उपज को बढ़ा सकते हैं। सीधा चल रहे हैं यहाँ पर जो किसान है हमारे साथ जी, मैं चाहूँगा आप आगे आ जाएँ, थोड़ा नाम बता दीजिए। जी राम प्रवेश जी, खटीमा से जी। भिंडी की फसल बढ़िया लेने के लिए समय से बुआई हो और सही बीज, सही प्रजाति का चुनाव हो जी, और कीट व्याधियों का निरीक्षण करते रहें जी, अच्छी फसल होगी। भिंडी की सब्जी खाते हैं आप? जी हाँ। तभी आपको सारी जानकारी? जी हाँ जी। चलिए देखिए इन्होंने बता दिया है, क्या राज क्या है, इनके पास सारे जवाब हैं, क्योंकि भिंडी की जो सब्जी है उसको ये खाते हैं और शायद अच्छी भी इनको लगती होगी, आप सभी को भी इसका स्वाद ज़रूर आता होगा। लेकिन इसके लिए हमारे किसान कितनी मेहनत करते हैं ये आप सभी अब धीरे धीरे जान पा रहे हैं। और कोई आप में से बताना चाहेगा? चलिए एक हाथ जो है और उठा हुआ मेरे को यहाँ नज़र आ रहा है, इनसे हम जवाब ले लेते हैं, क्या जवाब आता है इनके पास से? जी जी सुधीर शाही बोल रहा हूँ जी। और भिंडी की कम से कम बुआई के लिए टीट करके ही भिंडी बोनी चाहिए जी, और उसकी दूरी कम से कम 1 फीट की होनी चाहिए भिंडी की जी, और उसको लाइन से डालना चाहिए, लाइन से डालने के बाद उस पर हल्का हल्का मेड़ का प्रयोग करना चाहिए जी, और मेड़ के द्वारा जब पानी जाता है तो भिंडी के नीचे जड़ों में हल्का पानी जाने से उसमें कीड़े कम लगते हैं जी, और इस तरह से उसमें अच्छे पैदावार होते हैं। चलिए बिल्कुल, आप खाते हैं सब्जी भिंडी की? जी जी। पसंदीदा है? जी। चलिए देखिए, जो जिनको भिंडी की सब्जी पसंदीदा है वो लगातार हमें जवाब दे रहे हैं, लेकिन इन जवाबों में कौन सा जवाब हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनको पसंद आता है वैज्ञानिक आधार पर, अब ये भी हम जान लेते हैं। डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे, 3 जवाब हमें मिल चुके हैं, इनमें से कौन आपको लगता है कि हमारे किसान कब का हकदार है? शर्मा जी जी, प्रश्न ये था कि ग्रीष्मकालीन गर्मी में जब हम भिंडी बुआई करते हैं जी, तो उसमें समस्याएं आती हैं जी, समस्या रहती है, लेकिन बेहतर उपज कैसे हो उसमें, जो उत्पादन कैसे लिया जाए उसकी बात आई है जी। लेकिन अब सभी लोगों ने, 3 लोगों ने जवाब दिया, जिसमें साई जी का तो बहुत गए, पूरे लोग संतुष्ट रूप से नहीं दे पाए जी। मेन चीज़ यह है कि हमको भिंडी की बुआई अगर ग्रीष्मकालीन करना है जी, तो खेत में उचित नमी होनी चाहिए जी, और बीज को बोने से पहले 8 घंटा पहले 10 घंटे पहले भिगोना चाहिए, जिससे जमाव आपका अच्छा हो, जमाव अच्छा होगा तो आपका उत्पादन अच्छा होगा, मेन चीज़ यह है जी, क्योंकि खेत में पौध की संख्या ज़्यादा रहेगी तभी आपका उत्पादन अच्छा मिलेगा जी। और कीट रोग की बात जो बात आती है तो उसके तो नियंत्रण आपको करना ही करना होगा, अगर अच्छी फसल लेनी है तो आपको नियंत्रण करना पड़ेगा, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, ये ज़रूर ध्यान रखना होगा। और हमारे जो तीनों जिन्होंने जवाब दिया वो आपके जवाब को बहुत ध्यान से सुन रहे थे कि हमारा नाम बोलने वाला है कि हमारे वाला, तो मैं चाहूँगा आप ये भी बता दें कि कौन है जिन्होंने सटीक जवाब दिया है और ज़्यादा जानकारी इस जवाब में निकल कर आई है? सही है जो आखिर में यानी जो जवाब हमें मिला। चलिए जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए, हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना ये कि जो आखिर में जो जवाब मिला वो एक सटीक जवाब, बहुत बहुत बधाई है आपको, जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। तो यहाँ देखिए ये बेहद ज़रूरी कि हम अगर बात करते हैं कि लगातार जो फसलें हैं उनको बदलना होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे किसान जो हैं गेहूं धान तक सीमित रहें, सब्जियां भी वो बो सकते हैं, फूलों की खेती भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जानकारी को होना बेहद ज़रूरी, और वही जानकारी ना सिर्फ इस मंच से बल्कि हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो भी लगातार किसानों को दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल मेरा यहाँ मौजूद जो हमारे किसान हैं, अगला सवाल मेरा यही, किसान समूह की अगर बात की जाए, आप में से बहुत से ऐसे किसान होंगे जो समूह का भी हिस्सा होंगे, लेकिन किसान समूह में खेती करना कितना फायदेमंद है और कैसे, हाथ आप उठा सकते हैं, किसान समूह में खेती करना कितना फायदेमंद है और कैसे, सोच में है थोड़ा सा किसान, ग्रुप फार्मिंग की हम यहाँ बात कर रहे हैं, कैसे किसानों के जो समूह है वो बना सकते हैं और खेती कर सकते हैं, क्या फायदा है? अब देखिए हाथ जो है वो धीरे धीरे
अब ऊपर उठते मेरे को नजर आ रहे हैं और कोशिश करते हैं जवाब लेने की, देखते हैं इनके पास से क्या जवाब हमें मिल पाता है। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं। जी सुरेश राणा जी, समूह में जो अगर 10 किसानों का अगर समूह मिल कर के अगर कोई सब्जी अगर फ्रेंच बीन भी बोता है, थोड़ा थोड़ा अगर बोता है जी, तो 10 किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा जी। क्योंकि कारण क्या है, थोड़ा थोड़ा बोने से हम किसान अगर सब्जी मंडी में ले जा नहीं पाता, एक किसान को बोलेंगे कि आज तुम्हारा नंबर है, सब्जी मंडी में ले जाना। सब अपने अपने घर से जो 8-10 किसान हैं वो थोड़ा दो दो तीन तीन किलो अगर माना कोई सब्जी फ्रेंच बीन है जी, या और अन्य तोरी है, लौकी है जी, इससे सब किसानों को लाभ भी होगा और व्यक्ति का जो श्रम की मात्रा है वो एक व्यक्ति ही करके आएगा जी, तो इससे किसानों को सामूहिक किसानों में बड़ा लाभ होगा। चलिए बिल्कुल, देखिए किस तरीके से बैठ सकते हैं आप किसान समूह से हमारे किसानों को फायदा पहुंच सकता है, ये उन्होंने बताया। आप में से और कोई बताना चाहेगा, हाथ आप ऊपर उठा सकते हैं, किस तरीके से जो किसान समूह है वो बनाकर हमें खेती करना फायदेमंद है और इससे कैसे हम मुनाफा कमा सकते हैं। एक जवाब हमें यहाँ मिल चुका है सोच में, हालांकि यहाँ जो किसान है वो मेरे को नजर आ रहे हैं, लेकिन कोशिश करता हूँ जो किसान है उनके पास चलने की, उनके पास हम चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कुछ जवाब मिल पाता है या नहीं। मैं चाहूंगा अगर आप खड़े हो जाएं, नाम बता दीजिए। मेरा नाम सतीश सिंह है। सतीश जी, किसान समूह आपने सुना है इस बारे में जी सर, इसके क्या फायदे हो सकते हैं और कितना फायदेमंद है? इसके फायदे सर ये हो सकते हैं जी कि छोटे छोटे किसान जो खेती करते हैं जी, तो सामूहिक फसल करने से जी जो मंडियों में ले जाने में जो दिक्कत होगी उसका ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, लागत बच जाएगी, लागत बच जाएगी सर, यही फायदा है सर। जी और कुछ फायदा नज़र आता है आपको? और यह दिक्कत नहीं आएगी सर, यानी समस्या कम हो जाएगी, समस्या कम हो जाएगी और लागत भी, लागत भी। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। एक और जवाब जो है वो यहाँ पर हमने लिया कि लागत भी हमारी कम हो सकती है, समस्या जो है वो कम हो सकती है क्योंकि वो बट जाएगी अगर हमारे किसान समूह बनाकर खेती कर रहे हैं। और यहाँ जैसे ही मैं महिला किसान जो है इनके पास आता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद कोई मुझे रोक ले या कोई हाथ उठता हुआ नजर आ जाए। देखिए जैसा मैंने बोला था, एक हाथ जो है वो उठ चुका है, तो यहाँ भी हम जवाब ले लेते हैं, देखते हैं क्या जवाब निकल कर आता है। जी श्रीमती चंद्रकला चौहान जी, फौजी मटकोटा जी, इस समूह में हम खेती करेंगे तो इससे हमें बहुत फायदा है। एक तो लेबर की समस्या दूर होती है, इसमें हमें आर्थिक लाभ भी होगा जी। और जैसे हमने एक बैल एक ने पाल लिया, एक बैल एक ने पाल लिया, दोनों को जोड़ के जुताई कर ली जी, उसमें भी फायदा होता है। यानी एक से भले दो, हाँ जी, लेकिन दो से भले तीन होंगे कि नहीं उसमें थोड़ा सा देखिए इनको डर लग रहा है, हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, तो इसलिए फायदेमंद है किसान। फायदेमंद है, हाँ जी। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप भी। उन्होंने हमें बताया किस तरीके से फायदेमंद है किसान समूह बनाकर चलना, एक से भले दो, दो से भले तीन, ये देखिए बेहद जरूरी है। और यहाँ क्योंकि अगर बात कही जाए, जैसा कि हमारे किसानों ने कहा कि जो लागत है वो कम हो जाएगी, परिश्रम जो है वो भी कम हो सकता है, और उसके साथ साथ जो आपका वक्त है उसकी भी बचत हो सकती है। और वक्त का ख्याल हमें भी है क्योंकि फिलहाल हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जानिएगा इस सवाल पर किसान कब का हकदार कौन बनता है। आप देखते रहिए किसान प्रश्न मंच। जहां दिग्गज दौड़ाते हैं अपना दिमाग, ढूंढते हैं सामयिक सवालों के जवाब, खेती किसानी के मुद्दों पर मंथन का मंच, देखिए वाद संवाद हर शनिवार सुबह 11 बजे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत किसान प्रश्न मंच में। ब्रेक में जाने से पहले हमने यहाँ जो हमारे किसान मौजूद हैं इनसे सवाल किया था, किसान समूह में अगर खेती करें तो उसके क्या फायदे और कैसे ये फायदा ले सकते हैं। जवाब हमें यहाँ पर तीन मिले थे, अब रुख करते हैं हमारे विशेषज्ञ का। मिश्र जी, आपसे हम जानना चाहेंगे जो तीन जवाब हमें मिले, इन जवाबों में क्या आपको कोई ऐसा जवाब लगता है जो हमारे किसान कब का हकदार है? नहीं, सभी ने तो बताया कि इसमें फायदा है जी, मगर फायदा का जो बड़ा प्रमाण है उसके बारे में कोई नहीं बताया जी। जो सबसे समस्या होता है किसानों के सामने, जैसे यहाँ विशेषज्ञ लोग बैठे हैं, बाकी लोग वैज्ञानिक लोग बैठे हैं, आजकल किसानों का सलाहकार दुकानदार बन चुका है जी किसान, और उसी में सारी भ्रमित हो रहा है विषय। और किसान क्यों दुकानदार के पास जाता है कि ये छिड़काव कर दो, वो बताता है, वो करता है, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई व्यक्ति नहीं होता है। बिल्कुल, अगर मिलजुल कर कहेंगे कोई समस्या आया, कोई एक किसान चला जाएगा विशेषज्ञ के पास, कोई किसान चला जाएगा दूसरे कोई बाजार के पास, सारी जानकारियाँ इकट्ठा करके वो समूह में उसका लाभ ले सकते हैं।
इसमें सारी विषय, जैसे एक किसान को जितना बीज चाहिए अगर 10 किसान मिलजुल कर करते हैं तो पूरा थोक से वो खरीद सकते हैं। मजदूरी का बात आया है, ऐसे सारी जो जितने चीज़ ज़रूरी है खेती के लिए, ये सारी चीज़ थोक में लेने से उनको कीमत भी कम लगता है और आसान भी होता है। दूसरी जो विषय है, हमारे घरों में खेत जोत जो है वो छोटे होते जा रहा है, तो आगे चलकर अगर अभी से हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो छोटे जोत के कारण जो दिक्कतें आती हैं वो समस्या की समाधान भी हो सकता है। उसको कहाँ ही रोकेंगे, कैसे रोकेंगे वो बात नहीं, मगर जोत तो छोटे हो जा रहा है, इसलिए समूह खेती करना अपने सामने एक बड़ा पर्याय है, उसकी दिशा में किसानों को जाना वो जरूरी है, बिल्कुल लाभ के साथ साथ जी। और अब यहाँ हमारे जो किसान हैं जिन्होंने जवाब दिया था, उनके साथ जो बाकी किसान भी हैं वो टकटकी लगाए आपको देख रहे हैं कि अब किसका नाम वो बोलने वाले हैं कि वो किसान कब क्या हकदार है, वो जो महिला किसान जिन्होंने बताया। चलिए जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। इस बार जो हमारा कप है वो एक महिला किसान को है, और यहाँ ये अकेली है देखिए, और पूरा हम कह सकते हैं महिला किसानों के लिए कप जा रहा है। जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए, बहुत बहुत बधाई। आप बैठ सकती हैं। आप तो यहाँ आपने जाना किसान समूह के क्या फ़ायदे हैं, और ये सबसे अचरज की बात आपके लिए नहीं होगी, एक जो महिला किसान है उन्होंने हमें बेहतर ढंग से बताया कि किस तरीके से आप किसान समूह के फ़ायदे ले सकते हैं, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो परिवार में भी यही सिखाती हैं किस तरीके से आपको काम लेना है, समूह रहे, संयुक्त रहें, और इसके लिए क्या क्या फ़ायदे हमारे हो सकते हैं, हर चीज़ की जो बचत है वो हम कर सकते हैं। और इसके यहाँ अगर ये कहना शायद गलत नहीं होगा, जो महिलाएँ हैं बचत का तरीका उनसे बेहतर कोई नहीं आपको बता सकता, क्योंकि हमारी जो महिला किसान है उन्होंने भी हमें यहाँ पर ये बताया किस तरीके से आप बचत कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल मेरा यहाँ किसानों से, और एक और मौका आपके पास हमारा किसान कप जीतने का, फसल चक्र अपनाने के क्या फायदे हैं। फसल चक्र के बारे में आप सभी जानते होंगे क्या होता है, लेकिन फसल चक्र अपनाने के क्या फायदे हैं, हाथ आप उठा सकते हैं, पहुंचूंगा आपके पास में। चलिए नए नए हाथ जो हैं इस बार मेरे को वो दिखे हैं उनके पास में पहले चलता हूँ, और जिन किसान हैं जिनके अगर हमें जवाब नहीं मिलते जिन्होंने इस बार दोबारा हाथ उठाया उनके पास हम आने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले जिन्होंने इस बार हाथ उठाए हैं सीधा उनके पास चलते हैं, फिर उनसे जब जवाब देते हैं। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं। जी नाम बता दीजिए। गोपाल सिंह है, खटीमा चांदा रहने वाला हूँ। जी बात अगर जो हमने सवाल यहाँ किया कि ना सिर्फ अब तो फायदे अब तक हम यहाँ अपने जो किसान हैं उनसे पूछ रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ ये बेहद ज़रूरी कि जानकारी भी हो हमारे किसानों को, और उसके लिए हर प्रयास भी वो करते हैं किस तरीके से, लेकिन हमारे जो किसान हैं आगे बढ़ पा रहे हैं। जी फसल चक्र की बात कही थी ना आपने। जी तो फसल चक्र से एक तो भूमि की जो है उर्वरा शक्ति बनी रहती है। जी और उस जब उर्वरा शक्ति ठीक बनी रहती है तो फसल भी अच्छी होती है। जी और जब फसल अच्छी होती है तो खुशहाली किसान खुश रहता है। जी जी तो इसमें मेन ये दो कारण हैं, बाकी तो बहुत लंबा विस्तार का विषय है। जी लेकिन ये उर्वरा शक्ति और फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, शॉर्ट में तो इतना है, और खुशहाली आती है। जी खुशहाली। चलिए बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब देखिए की तरफ से मिला, फसल चक्र अगर आप अपनाते हैं तो खुशहाली आ सकती है, ये बहुत एक हम कह सकते हैं गहरी बात इन्होंने की। एक और हाथ इधर से उठाया गया था, इनके पास हम चलते हैं, मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं। जी नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम फिरोज सिंह है और मैं खटीमा से आया। जी फसल चक्र अपनाने के क्या फ़ायदे हैं। फसल चक्र अपनाने से हमें फसल के निरंतर वो होता रहता है, जैसे एक के बाद एक करते हैं, उससे हमें फसल की सही पैदावार भी मिलती है और उससे मुनाफा भी मिलता है। उससे मुनाफा भी मिलता है तो आप आजमाते हैं इसको, अपनाते हैं फसल चक्र को। जी तो साथ ही जो दूसरे किसान हैं उन्हें भी बताते हैं आप या नहीं। जी 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 उनको भी बताते हैं। चलिए बिल्कुल, इनका मानना है कि खुद भी ये फसल चक्र अपनाते हैं, उसके साथ साथ जो बाकी किसान हैं उनको भी बताते हैं। और कोई आपने से जवाब देना चाहेगा, हाथ कई ऊपर उठते हुए मेरे को नजर आए थे, मैं चाहूँगा आप अगर हाथ एक बार फिर से ऊपर उठा सकते हैं अगर आपको कुछ जवाब देना है, फसल चक्र अपनाने के क्या फ़ायदे हैं। यहाँ देखिए एक हाथ जो है जैसा हमने बोला था वो उठ चुका है, मैं इनसे जवाब ले लेता हूँ। जी सर, केशव कुमार शर्मा फौजी मटकोटा से हूँ। जी फसल चक्र अपनाने के सर सबसे बड़े फायदा ये है कि हमारी खेत की जो उर्वरा शक्ति है बरकरार रहती है। जी। और खरपतवार नहीं बढ़ने पाते हैं। जी जो खरपतवार होते हैं वो कंट्रोल में रहते हैं, और जो पोषक तत्व हैं जमीन में वो भी बराबर आते रहते हैं, जैसे उथली जड़ के बाद गहरी जड़ वाली बो दी या गन्ना बो दिया, ये चक्कर बहुत फायदे हैं उसके। ये फायदे हैं। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। तो फसल चक्र के क्या फायदे हैं ये हमारे यहाँ किसानों ने बताया, और तीनों ही जवाब अगर आप देखें तो अपने आप में बेहद सही बेहद सटीक, लेकिन हमारे जो विशेषज्ञ यहाँ मौजूद हैं उनकी नज़र में यहाँ पर सटीक जवाब कौन सा है, किस जवाब से ज़्यादा जानकारी मिली ये जानते हैं हम। डॉक्टर साहब
जानना चाहेंगे सबसे पहले आपसे, अगर फसल चक्र की हम बात करते हैं, किसानों को हमारे पता है लेकिन इसके और क्या फायदे हो सकते हैं जिससे हमारे किसान इसको अपनाएं? देखिए, फसल चक्र की जब बात हम करते हैं तो फसल चक्र में इस तरीके से फसलों को की बुआई करनी चाहिए कि पहले दलहनी फसल, फिर गैर दलहनी फसल, उथले जड़ वाली, फिर गहरी जड़ वाली, कम पानी चाहने वाली, फिर अधिक पानी चाहने वाली, इस तरीके से फसलों को बदल बदल के बोना चाहिए। हम यहाँ पे करके आ रहे हैं उधम सिंह नगर ज़िले में, अगर देखें तो कि हम धान गेहूँ पहले करते रहे, उसके बाद आ गए हम धान मटर धान पे, तो ये कुल मिला के ये ठीक नहीं है इस ज़िले के लिए। दलहन का समावेश अगर आप इसमें करेंगे अपने फसल चक्र में तो शायद इस ज़िले के लिए सामयिक होगा। और अब आपके सवाल की जब बारी आती है तो उसमें जिस किसान ने सबसे आखिर में जवाब दिया था उनका जवाब काफ़ी हद तक सही था, जवाब बाकी लोगों का भी अच्छा था, लेकिन उन्होंने उदाहरण के साथ उसको दिया कि गहरी जड़ वाली और उथली जड़ की बात भी उन्होंने की थी, इसलिए पुरस्कार उनको ही दिया जाना चाहिए। जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। मैं चाहूँगा आप आ जाएं हमारे पास आगे, और जो इनकी तरफ से जवाब आया वो एक सटीक जवाब, और हमारे देश में जो क्रिकेट है उसको काफ़ी माना जाता है और कहा जाता है कि आखिरी बॉल पर जो अगर चौका लग जाए तो आप विजेता बन जाते हैं, ऐसा ही इन्होंने कुछ किया। जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए, बहुत बहुत बधाई आपको, बैठ सकते हैं आप। तो जाना आपने भी फसल चक्र अपनाने के क्या फ़ायदे हैं, और ये ना सिर्फ जानना बल्कि इसको अपनाना हमारे किसानों के लिए बेहद ज़रूरी, और सारी जानकारी जो हमारे विशेषज्ञ लगातार किसानों को देते हैं हमारे किसान उसको अच्छे से समझते हैं और उसके बाद परखते भी हैं, उसके बाद अपनाते हैं और आगे भी इस जानकारी को आगे बताते हैं। अब बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की ओर, और सवालों की अगर बात की जाए, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है इसका नाम है किसान प्रश्न मंच, और हमारे जो किसान यहाँ पर मौजूद हैं, शायद अब तक मैं उनसे सवाल कर रहा था, उनके जहन में भी कुछ सवाल होंगे, अगर आप हमारे विशेषज्ञ से करना चाहें हाथ आप उठा सकते हैं, अगर आपको कुछ सवाल करना है हमारे यहाँ जो विशेषज्ञ मौजूद हैं उनसे कुछ भी सवाल अगर आप करना चाहते हैं कृषि से संबंधित, अगर कुछ और जानकारी आप लेना चाहते हैं हाथ आप ऊपर उठा सकते हैं अगर आप सवाल पूछना है। चलिए, का हाथ जो है उठता हुआ यहाँ नज़र आ गया है, हालांकि कुछ लोग जो हैं वो संकोच में होंगे और कुछ लोग जो हैं वो काफ़ी जागरूक हैं, जानकारी उनको पूरी है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या सवाल यहाँ निकल कर आता है। जी, मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं। जी, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा जी कि जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि यहाँ तराई के क्षेत्र में दलहनी फसलों पर भी जोर देना चाहिए जी, तो जनरली हम लोग जब दलहनी फसल बोते हैं तो उसमें कीड़े का प्रकोप ज़्यादा होता है, दूसरा उसमें नुकसान होता है बारिश कभी भी आ जाती है जी, तो उस समय उसके फूल झड़ते हैं या उसमें फल नहीं आ पाता, तो ऐसी बहुत सारी परेशानियां इस तराई में पैदा होती हैं, तो उस संबंध में आप थोड़ा सा हमें जानकारी दें तो। बिल्कुल, यानी समस्या के साथ साथ कैसे हम इसकी खेती कर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही प्रश्न उठाया है, ये समस्या है दलहनी फसल से किसान जो दूर हो रहा है उसका इस तराई में दूर होने का कारण भी यही है कि ये इसमें रिस्क अधिक है इस दलहनी फसल में जी। लेकिन आपने जो सवाल उठाया कि कीड़ों की समस्या है, तो कीड़े की समस्या धान में भी आपके है, गेहूं में भी है, गन्ने में भी है, हर फसल में है जी। और कीटों के नियंत्रण के लिए हमारे पास कीटनाशक हैं, जैसे अगर हम खरीफ की दलहन की बात करें तो चूँकि आने वाला मौसम हमारा खरीफ का है तो आप उसमें उड़द लगाइए, अगर आप 15 अगस्त के बाद उड़द की फसल लगाते हैं तो जो बरसात के से नुकसान की बात है एक तो वो नहीं होगी, दूसरा कीट नियंत्रण की अगर आप बात करते हैं तो उसमें दो तरीके के कीड़े लगते हैं, जैसे ही दो पत्ते की आपकी फसल होती है तो शुरुआत में थ्रिप्स लगते हैं जी, उसके लिए आपके पास कोई भी कीटनाशक जैसे मोनोक्रोटोफास है उसका स्प्रे कर देंगे तो नियंत्रण हो जाएगा, या आपके पास क्लोरोपाइरीफॉस पड़ी है उससे भी नियंत्रण हो जाएगा। इसके बाद आती है बात पॉड बोरर की, जो दलहन की सबसे बड़ी समस्या है फली छेदक कीट, फली छेदक के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड से भी वो नियंत्रित हो सकता है, और अगर आप चना ले रहे हैं विशेष रूप से तो चने की के केस में हमको जो एक दवा आती है इंडोक्साकार्प का स्प्रे करना पड़ेगा, लेकिन मसूर और उड़द मूंग इनके लिए केवल इमिडाक्लोप्रिड का अगर 1 मिलीलीटर दवा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप छिड़काव कर देते हैं तो इस कीट नियंत्रण आपका हो सकता है, बिल्कुल समस्या का निवारण हो सकता है। कुछ और आप में से किसी की समस्या, चलिए एक और जो यहाँ हमारे किसान है वो कुछ कहना चाह रहे हैं जी। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि जैसे अभी हम धान लगा दिए, अभी मतलब धान लगा दिए तो एक कटेगा जून में, इसके बाद उसमें धान लगाने पर पैदावार कम होती है, तो कौन सी फसल बोई जाए जो खेत की ताकत भी बनी रहे और पैदावार भी अगली पैदावार भी ठीक हो, मतलब धान से कुछ कम ही मिले लेकिन खेत कमज़ोर हो जाता है,
धान में धान लगाना। अभी इसके पहले बात हो रही थी फसल चक्र की, और आपका उसका दुष्प्रभाव आप खुद ही बता रहे हैं कि धान लगाने के बाद धान लगाएंगे तो उपज कम हो जाती है, तो उसी फसल चक्र का दुष्प्रभाव है ये जो आप गलत तरीके से कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने अभी जैसे आपको बताया कि इसमें दलहनी फसल लगाइए, आपकी जुलाई जून के आखिर में आपकी ये धान की फसल कट जाएगी। मैंने क्या कहा आपको कि अगस्त में आप इसमें मूंग उड़द लगाइए, अगस्त में अगर आप उड़द लगाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपकी नुकसान भी नहीं होगा। नुकसान इसलिए नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि नुकसान क्यों नहीं होगा। धान पैदा करते हैं आप बहुत ज़्यादा, उस समय 22 क्विंटल 24 क्विंटल एकड़ का, 40 क्विंटल एकड़ का गर्मी जून में लगा के, जुलाई की, मैं जुलाई की बात कर रहा हूँ, 22 क्विंटल से 24 क्विंटल प्रति एकड़ ये है। और उसके बदले में अगर आप अच्छी तरीके से लगाएंगे तो लगभग 5 क्विंटल एकड़ की उड़द आपकी हो जाएगी। धान का रेट है आपका 1000 रुपया क्विंटल औसत, और उड़द का रेट है 5000 रुपया क्विंटल, कम से कम 5 से 7000 रुपये क्विंटल के हिसाब से बिकता है। पैसा आपका बराबर हो गया दोनों का लगभग, खर्चा आप देख लीजिए, धान में ज़्यादा खर्च है, उड़द में कम खर्च है। दलहनी फसल है, आपके सेहत के लिए भी फायदेमंद है और आपकी जेब के लिए भी फायदेमंद है, इसलिए आप उसमें दलहन का समावेश करिए, आप ज़्यादा लाभ में रहेंगे। तो देखिए दलहनी फसलों में कितना फ़ायदा छिपा है, और यहाँ जो हमारे किसान हैं उन्होंने लगातार कई सवाल यहाँ पूछे, और इसके साथ साथ जो हमने यहाँ सवाल पूछे बेहद ही अच्छे जवाब यहाँ पर मिले, एक जागरूक जवाब उनको मान सकते हैं। जैसा हमने आपसे कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, जागरूक किसान यहाँ पर जिन्होंने लगातार हमें जानकारी दी और इस जानकारी के साथ एक संदेश भी दिया कि जो बाकी किसान हैं उनको भी जागरूक होना होगा और ये कोशिश करनी होगी कि वो आगे बढ़ सकें और नए नए आयाम जो है उनको छू सके, तभी हमारा देश जो उसका विकास हो सकेगा और उसमें हमारे जो किसानों की भागीदारी है वो अलग निकल कर आएगी। और हालांकि अभी भी जो हमारे देश के किसान हैं मेहनत से काम करते हैं, अन्नदाता कहलाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी शिकायतें रहती हैं, समस्याएं हैं हमारे किसानों को रहती हैं। उम्मीद हमारी यही कि जो हमारे किसानों की समस्याएं हैं वो इसी तरह धीरे धीरे इस मंच पर लाने की हम कोशिश करेंगे और कुछ सवालों के जरिए कोशिश करेंगे उनके जहन को टटोलने की, उनकी जानकारी को टटोलने की, जिससे उनकी जो समस्याएं हैं वो खत्म हो सकें। बहरहाल आज आप सभी ने इतना अपने अच्छे अच्छे जवाब हमें दिए, कीमती समय भी दिया, और मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप शुक्रिया कहें हमारे विशेषज्ञों का। तो देखा आपने कितनी जानकारी हमारे किसानों को है, और यही जानकारी जो है एक किसान से देश के बाकी किसान जो हैं उनको हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हालांकि अब कार्यक्रम में वक्त हो चला आपसे विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले सप्ताह पहुंचेंगे आपके राज्य में, आपके ज़िले में, और वहां भी बात करेंगे किसानों से, क्योंकि ये मंच है किसानों का जिसका नाम है किसान प्रश्न मंच। लेकिन चलते चलते आपको एक बार फिर हम याद दिला देते हैं, होली आने वाली है, फागुन का महीना है, तो आइए चलते चलते सुनते हैं होली का ये गीत। लेकिन उससे पहले किसान प्रश्न मंच की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, नमस्कार। ऐसे रंग भरी नंदलाल मथुरा में गुजर।
रंग भरी। मथुरा में गुजर रंग भरी, मथुरा में गुजर रंग भरी, इस रंग भरी नंदलाल, मथुरा में गुजर रंग भरी। मथुरा में गुजर रंग भरी, मथुरा में गुजर रंग भरी, इस रंग भरी नंदलाल, मथुरा में गुजर रंग भरी, मथुरा में गुजर रंग भरी, मथुरा में गुजर रंग भरी, इस रंग भरी नंदलाल, मथुरा में गुजर रंग भरी, मथुरा में गुजर रंग भरी, मथुरा में गुजर रंग भरी, इस रंग भरी नंदलाल, मथुरा में गुजर रंग भरी। बोली होलिका माता की, होलिका माता की।